हमसे पहले वरिष्ठ आचार्य ईशान भट्ट साहब, प्रोफेसर आर सी सिन्हा साहब, कुलपति महोदया मिर्जा गुप्ता जी, हमारे मित्र सच्चिदानंद मिश्र जी, इन पूर्व वक्ताओं को स्मरण करते हुए इस संपूर्ण सत्य यज्ञ के अधिष्ठाता के रूप में विद्यमान प्रस्तुत रजनीश शुक्ल जी, अधिवेशन के जनरल प्रेसिडेंट प्रधान सभापति पीआर भंडारी साहब, स्क्रीन पर जो कुछ मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से हमारे गुरु प्रोफेसर श्याम किशोर सेठ जी, प्रोफेसर दवे सर, राजकुमारी सिन्हा जी और अनेक ऐसे मित्र जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ज्योति स्वरूप जी, जयंत जी और सूर्य प्रकाश जी, इन सबको मैं देख पा रहा हूँ, सबको समवेत रूप से यथायोग्य अभिवादन करते हुए मैं 10 मिनट के अंदर जो मुझे निर्धारित समय है उससे भी कम समय में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह संपूर्ण सत्र है और बहुत कुछ कहने की आवश्यकता रह भी नहीं गई है। अभी तक हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की दार्शनिक दृष्टियों से इस सर्वोदय की अवधारणा को देखा, सुना, समझा और साहित्यिक दृष्टि से भी सुंदर व्याख्यान हमारे सामने कुलपति महोदया ने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हम सभी उससे लाभान्वित हुए हैं, उस पूरे विवेचन से, उस पूरे मार्गदर्शन से और खास करके हमारे जो युवा साथी इसमें जुड़े हुए हैं जिनको दर्शन की ध्वजा लेकर आगे चलना है भविष्य में, उनको इससे जरूर पाथेय प्राप्त होगा कि पुरानी पीढ़ी के चिंतन की क्या क्या विशेषताएं हैं जिनका उनको अनुकरण करना है। मैं एक वाक्य में परिषद के अध्यक्ष के रूप में यह बताना चाहता हूं, इस परिषद का प्रयोजन हिंदी भाषा जो राजभाषा है हमारी, उस भाषा के माध्यम से दार्शनिक गतिविधियों, चिंतन, मनन, लेखन, प्रकाशन को एक गति देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से इस परिषद का गठन महामनीषियों ने किया था और हम आज उसके 65वें अधिवेशन के संपूर्ण सत्र तक पहुंचे हैं। हमारा आग्रह होगा भावी पीढ़ी के दार्शनिकों से, वे इस गरिमा और इस संकल्प को सुरक्षित रखने में पूरी तरह अपनी सहभागिता रखेंगे, अपने आप को पूरी तरह कमिटेड रहेंगे और जो अवधारणा सर्वोदय की जो अवधारणा, जो इसकी जो चिंतन धारा इस संपूर्ण सत्र, इस संपूर्ण अधिवेशन की मूल चिंतन धारा के रूप में कही गई, उसके विविध दृष्टिकोण हमारे समक्ष आ चुके हैं। एक दो शब्द हम अपनी ओर से उस पर कुछ कह सकें, आप केवल इतना कहना चाहेंगे कि यहाँ सर्व का तात्पर्य संपूर्ण विश्व है, जिस विश्व में मानव और मानवेतर सृष्टि सब सम्मिलित हैं, जैसे सच्चिदानंद मिश्रा जी निर्देश कर रहे थे, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पहाड़ नदियां, इन सब के उत्कर्ष की बात सर्वोदय करता है और उत्कर्ष भी सर्वांगीण उत्कर्ष होना चाहिए, सबका आत्मा
जल्दी है यहाँ पर कि 3 साल में जाकर हम लोग इसको जा रहे हैं।